आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का सोलारा एयर फ्रायर में, एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। इसमें है अनेक कुकिंग मोड जिसमें आप बना सकते हैं कई प्रकार के व्यंजन। एक क्लिप से आसानी से खुलने वाला हाई ग्रेड नॉनस्टिक कोटिंग वाली बास्केट। तो चलिए बनाते हैं पनीर टिक्का। मैंने बनाने के लिए बड़े बोल में एक कप गाढ़ी दही डालिए, उसमें जाएगा एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, एक बड़ा चम्मच बेसन, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इसे हम अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये पूरा का पूरा समान हो जाए। इसमें अब जाएगा आधा कप कटा हुआ टमाटर, आधा कप कटा हुआ शिमला मिर्च, आधा कप कटा हुआ प्याज और आधा किलो पनीर जो हमने 1 इंच के क्यूब्स में काट लिया है। अब इस सारे मिश्रण को बहुत ही हल्के हाथ से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपका पनीर मैरिनेट करने के लिए तैयार है। इसे 1 से 2 घंटे तक फ्रिज में रख लीजिए। अब एयर फ्रायर को हम तंदूर मोड पर लेकर आएंगे। इसे अब 24 मिनट पर लेकर आइए और प्री हीट करने के लिए रख लीजिए। मैंने लकड़ी के कुछ सीख को 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो लिया है। अब इसमें मैं अपने पनीर टिक्का को पिरोने लगूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी एक शिमला मिर्ची, फिर उसके बाद एक पनीर का पीस, उसके बाद इसमें मैं लगाऊंगी एक टमाटर का पीस, फिर एक पनीर का पीस और आखिर में एक प्याज का पीस। इस विधि से आप सारे के सारे मैरिनेट के टिक्का तैयार कर लीजिए। एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका है। बास्केट को बाहर निकालिए और उसमें एक गोल आकार के पार्चमेंट पेपर को रख दीजिए। अब इसमें हम अपने पनीर टिक्का के सीख को भी रख लेंगे। और इसे अब हम 1 मिनट के लिए एयर फ्राई करेंगे। 1 मिनट के लिए एयर फ्राई करने के बाद इसमें हम ब्रश के सहारे से हल्का सा तेल लगा लेंगे। इसे अब हम तंदूर मोड पर 8 मिनट के लिए एयर फ्राई करेंगे। 8 मिनट के बाद बास्केट को बाहर निकालिए। चिमटे के सहारे से हर सीख को बहुत ही आराम से आप पलट लीजिए। अब इसमें हम ब्रश के सहारे से फिर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे तंदूर मोड पे 8 से 9 मिनट के लिए एयर फ्राई करेंगे। 8 मिनट के बाद मेरे क्रिस्पी और जूसी पनीर टिक्का तैयार है। इन्हें चिमटे से आराम से एयर फ्राई बास्केट से आप निकाल लीजिए। आप चाहे तो इस पे इस वक्त हल्का सा पिघला हुआ मक्खन भी लगा सकते हैं। आपका गर्मा गर्म पनीर टिक्का तैयार है। इसे लच्छा प्याज और हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए।